तेरे सर पर वीडियो में प्रूफ है तू झूठ बोले डर कर सब मैं दिखा दूंगा हल्की सबर कर बीस गानों में से 10 कॉपी करता है हम जाने की तू कब कॉपी करता है अंग्रेजी रैपर रस कॉपी करता है उसकी तरह ओ भाई ये तो बिल्कुल सेम है ओ भाई फर्स्ट चॉइस अवार्ड है ना मैं दादा साहब फाल्के ये क्या भाई बहुत बड़ा अवार्ड है मजाक नहीं इंडिया में अवार्ड लेना अमिताभ बच्चन को बुलाया 2018 का तो खूब तरक्की करो और ये नई जनता मुबारक हो कभी दिल करे तो शुक्रिया ओ, 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 भाई गूज बम्स आ गए मेरे यार रफ्तार क्या कराई है तो लेडीज एंड जेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू माय चैनल GDXEAD चाहती है डेली रिएक्शन के वीडियोस तो मेरे भाइयों हम लोग आ चुके हैं एमवीए वर्सेस रफ्तार पार्ट 4 है शायद ये मुझे ध्यान नहीं है प्लेलिस्ट पे मैंने देखा ये सेकंड लास्ट गाना है इसके बाद एक और रिप्लाई आएगा एमवीए की तरफ से लेकिन अभी हम इस पर ध्यान देंगे सबसे पहले एमवीए का आया था समझ में आया क्या उसके बाद शेख चिली में रफ्तार ने फाड़ के रख दी थी उसके बाद फिर एमवीए का आया वो गिरफ्तार आया था ठीक है तो लेट्स गो हाँ उसके बाद गिरफ्तार आया था तो लेट्स गो एंड लेट्स गेट टू दिस सॉन्ग जिसका नाम है एवी है रफ्तार तुम लोग के कमेंट्स आ रहे थे भाई एवी है सुनो ये डिस गाना है ओके ये डिस गाना ही है अच्छा वो पहले वाला शेख चिली डिस गाना नहीं था इसमें रफ्तार बोल रहा है कि ये डिस गाना ही है ओके तो मतलब कुछ अलग करने की कोशिश इसमें करी जाएगी एमवीए ही है ये जिसकी फ़ोटो इसमें डाली गई है ठीक है पुरानी मतलब जब वो पुराना रैप करता होगा एमवीए ठीक है तो लेट्स गो लेट्स रिएक्ट टू दिस सॉन्ग चलो भाई तुम लोग जरूर बताना उस टाइम पे तुम किसको पसंद करते थे रफ्तार को एमवीए को मैं एमवीए का फ़ैन हूँ बहुत पुराना रफ्तार अलग लेवल का बंदा है मैं तुम्हें बता चुका हूँ रफ्तार हनी सिंह इक्का बादशाह ये अलग उस जोन के बंदे हैं बट एमवीए जब शुरू शुरू में आया था तो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया था और अभी भी हूँ एमवीए का फ़ैन कृष्णा का फ़ैन ये दोनों मेरे बेस्ट फेवरेट है और 40 और तलंजुनिस मतलब और भी पसंद है रफ्तार में मुझे बहुत पसंद है ऐसा नहीं है बट हाँ एमवीए इज एमवीए लेट्स गो देखते हैं भाई क्या सीन है इस गाने का लेट्स गो चल ओ भाई क्या था ये इतना यंग है इसमें एमवीए कितना यंग है इसमें यार चल रैपर्स के बिग बॉस के आखिर एपिसोड में आपका स्वागत है ओके मतलब ये शायद आखिरी सॉन्ग है रफ्तार की तरफ से पिछली बार लोगों ने बोला था कि रफ्तार के पास बजट और टीम है तो इस बार नो बजट पर टीम तो है भाइयों की एंजॉय कभी तू कहता है मैं हिप हॉप नहीं कभी तू कहता है मैं सिर्फ रफ्तार को सुनता हूँ कमाल है इस बार ही शोर नहीं सिर्फ बार्स 2009 से मैं अंडरग्राउंड सोल्जर खासियत मेरी तेरी हाथों में दू खोल कर पारी पे विराट हूँ मैं बेटा जरा बॉल कर बातें कर लॉजिकल मुझको ना बोर कर तूने तेरे गाने में बोला मैं तेरा द्रोणा बोला मेरे जैसा ही तू करता है फ्लो ना चाबी वाला इन्हें यही बोला कि रफ्तार के साथ मैं रफ्तार की तरफ फ्लो करता हूँ मैं तेजी में गाता रफ्तार उसे सुनने के हुआ मैं तैयार तेजी में गाता रफ्तार उसे सुनने के मैं हो गया मैं तैयार इसमें ये थोड़ा ना बोला कि ये रफ्तार को सुनता है कर पारी पे विराट हूँ मैं बेटा जरा बॉल कर बातें कर लॉजिकल मुझको ना बोर कर तूने तेरे गाने में बोला मैं तेरा द्रोणा बोला मेरे जैसा ही तू करता है फ्लो ना चाबी वाला बंदर ताली मारे वो खिलौना मैं खुद भी ना लंबा तू मुझसे भी बोना चाबी वाला बंदर बोल दिया कैसे करेगा तू बेटा मेरा सामना मेरे बिना इतना होता तेरा नाम ना रफ्तार से गुस्से में है बहुत ज्यादा हम रुक रुक के रिएक्ट करते हैं ठीक है हमें एक एक चीज देखनी होती है क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं मिस भी कर देता हूँ लास्ट टाइम तुमने बताया था गिरफ्तार में मैंने वो मिस कर दिया था एक भाई ने बताया था मुझे हैशटैग सड़क से पहले सड़क रिमिक्स रिकॉर्ड हुआ सड़क गाने का कुछ सीन था उसने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था सड़क गाना रफ्तार ने इसके साथ वादा किया था कि ये सड़क गाना बनाएगा और इसके साथ गाना उन्होंने नहीं बनाया था मतलब काइंड ऑफ उसको धोखा दिया था इसमें गोको को बना दिया है मतलब ये पूरा तैयार है फाड़ने के लिए कह रहा है आप समझ आ गया मुझे मैं खुद भी लंबा नहीं लेकिन तू मुझसे भी बोना है मेरे बिना इतना होता तेरा नाम ना वो भी जाने अब जो भी ना था जानता चल बेटा जरा चिट्ठा खोले तेरे काम का ओके तो ये लाइन दोबारा मार दी गई है कि मेरे बिना तुझे कोई नहीं जानता था जब से मैंने करना शुरू करा है तो तुझे लोग जानना शुरू करे
ये पॉइंट पहले भी रफ्तार ने गाने में मारता, शेख चिल्ली वाले में भी। नाम ना वो भी जाने, अब जो भी ना था जानता। चल बेटा जरा चिट्ठा खोले तेरे काम का, छोटी छोटी चड्डी माल वाली आंटी, आंटियों के पीछे तू और घंटी वाला मिश्रा। कुछ भी ना खास इतिहास बकवास तेरा, खुद से ना धोता था तू तब से मैं घिस रहा। ओ भाई, माल वाली आंटी कोई गाना वाना है क्या इसका अमीर वेगा? बेटा रा 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 फील में तो हम ही तेरे पा पा पा, बेटा सोया हुआ शेर ना जगा गा गा, ओ बंदर टपुसिया ना खा खा खा, मैंने अभी भी निशाना नहीं दागा, मेरा कुछ भी ना करेगा तू पाका, मुझे इल्म है अपनी जगह का, मेरा पूरा जंगल तेरा है इलाका, लगे मैं हूँ रागा, मिली राहत तू रागा फ्रॉम दिल्ली अपना भाई। तुझे मैंने बड़ा किया पूरी हुई चाहत, बॉडी और बोली में तेरे से ज्यादा ताकत, लिखता हूँ गाने में तो चलते हैं कागज, पंटाई की पब्लिक को ठंडाई पिलाओ, पंटाई बड़ा हुआ मिठाई खिलाओ, मैच म्यूजिक बाजी से किसने मिलवाया था, वेलकम छोटे तुम भी लेवल पे आओ। ओके, एक और पॉइंट रफ्तार ने उठा दिया, मैंस म्यूजिक पाजी से किसने मिलाया था, मैंने मिलाया था वो कह रहा है, मुझे बताना, मैं नहीं जानता कौन है मेंस म्यूजिक पे आजी, मुझे नहीं पता पूरी स्टोरी नहीं पता भाई, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना किस बारे में बात कर रहा है, बट हाँ ये बता रहा है कि मेरी वजह से ही तो ये लोग जानते हैं, मेरी वजह से ही तू इंडस्ट्री में इतना आगे निकला है, या ये सच है मुझे नहीं पता, कि मैंने एम वी के गाने जब सुने हैं, सबसे फर्स्ट गाने में एम वी को कौन सा सुना था मुझे ध्यान नहीं है, अंडरग्राउंड लेके आया मेन स्ट्रीम में, इंडिया को बांटा तेरी मेरी टीम में, एक दिन में दो ये गाना सुना है मैंने, तुम्हें मेरे बंदे रे तुम मेरे साला पूरी इंडिया पर गिर फटा चला, और बड़ा मजा मेरे फोन वाले वाले में खाले में चला चलने वाला है वाले पर भाई, तेरे इंग्लिश में आपके हिंदी वाला तुझे लगता है मैंने रैप गॉड है। ओ ये गाना बहुत चला था तब, मैं हनी सिंह को सपोर्ट करता था, मैं हनी सिंह फैन, हनी सिंह पाजी का फैन हूँ मैं, तब मैं बहुत सपोर्ट करता था, अभी भी करता हूँ हनी सिंह को, तब इसने शायद एक तरह का डिस करा था, अब ये करके दिखाओ, ये हनी सिंह पे डिस था, जब रफ्तार डिस नहीं था मतलब काइंड ऑफ शॉट दिया गया था, प्रॉपर डिस नहीं था बट शॉट दिया गया था, हाँ ये करके दिखाओ हनी सिंह को। अंडरग्राउंड लेके आया मेन स्ट्रीम में, इंडिया को बांटा तेरी मेरी टीम में, एक दिन में दो मिल तू फील ले, मेरे बिना होता ना ये पूरा तेरा ड्रीम। रफ्तार कह रहा है मेरे बिना नहीं हो पाता तेरा ड्रीम पूरा, भाई तो बहुत मतलब पूरा नाम लगा रहा है कि मेरे बिना कुछ है ही नहीं तू, मेरे बिना होता ना ये पूरा तेरा ड्रीम। मैंने कितना हिप हॉप किया है देख गूगल पे डाल के, तू पीपल्स चॉइस अवार्ड है ना, मैं दादा साहिब फाल्के, ये क्या दादा साहिब फाल्के अवार्ड, भाई बहुत बड़ा अवार्ड है, मजाक नहीं, इंडिया में अवार्ड लेना, बड़े बड़े उनको मिलता है, अमिताभ बच्चन वगैरह इन सबको मिलता है अवार्ड, भाई दादा साहिब फाल्के, दादा साहिब फाल्के क्या बात कर रहे हो यार, अवार्ड वहीद रहमान, रजनीकांत, इन सब लोगों को मिला है भाई अवार्ड, मनोज, शशि कपूर, आस्था फेक, विनोद खान, विनोद खन्ना, अश्विती गुलजार, सुमित्रा चटर्जी, के वो मन्ना डे, बाप रे बाप, तो बड़े बड़े लोगों को मिलता है भाई बाबा से फाल के, लेकिन इसमें रफ्तार कहाँ है भाई, इसमें रफ्तार कहाँ है भाई, रफ्तार कहाँ है इसमें बाबा साहेब फाल्के अवार्ड की लिस्ट में, क्या बात कर रहे हो, 2018, ओके 2018 है ना, तो हम 2018 चेक कर लेते हैं ना फिर, विनर्स 2018, भाई बहुत बड़ा अवार्ड है, मजाक नहीं है अवार्ड लेना, अमिताभ बच्चन को बुलाया 2018 का, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर्स 2018, क्या पता म्यूजिक की कोई अलग कैटेगरी होती हो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन इसमें लिखा है दादा साहेब फाल्के, झूठ तो बोलेगा नहीं रफ्तार जब अपने गाने में डाला है इसने, मुझे बताओ यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये पैसा पैसा मत कर, मेरी मार्केट वैल्यू पता कर, बेटा देना तेरे बस की नहीं, तू खुद किसी की कॉपी है, एनीमे हेंटाई है, तेरी खुद की कोई हस्ती नहीं। भाई ले रहा है भाई इस गाने में तो, तेरी खुद की कोई हस्ती नहीं, माल नकली तू कश जो भी भरता है, 20 गानों में से 10 कॉपी करता है, हम जाने की तू कब कॉपी करता है, अंग्रेजी रैपर है रस कॉपी करता है उसकी तरह। ओ भाई ये तो बिल्कुल सेम है, ओ भाई नहीं लेकिन एमिनेम ने बोल, एमी वे ने बोला है शायद रस रस को वो करता है ऐसा मोटिवेशन मानता है, बट ये तो पूरा ही कॉपी, पूरा पूरा सीन ही कॉपी है,
जाने की तू कब कॉपी करता है, अंग्रेजी रैपर है रस कॉपी करता है, उसकी तरह करी चाल तूने बाल तूने, वो है असली तू नकली का कार्टून है, शुरू खुद ही किया सारा बवाल तूने, बात कर सकते थे आगे किया गाल तूने, मैंने तुझे दिल्ली ना बुलाया, तू घर मुंह फाड़ के था आया, उसने ही तेरा साइफर कराया और तूने बोला मैंने तुझे टोपा पहनाया मेरी। ओके भाई, इतनी चीजें पता चलने को मिल रही है भाई। मुफाड़ ने बुलाया था, मुफाड़ और कृष्णा अर्चना का भी कुछ सीन था, वो भी मैं करूँगा कवर, उसका भी बीफ चाहिए तो बताना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे। और मुफाड़ और कृष्णा का बीफ किस किस को देखना है, मैं कवर करूँगा उसको भी भाई। ठीक है, सही है भाई। ये कह रहा है दिल्ली में मुफाड़ ने बुलाया और तेरा साइफर कराया, और ठीक है ठीक है ठीक है, चीज़ समझ तो आ रही है मुझे। और बात रही रस की, रस की और लिलवेन और एमिवेन, एमिनम को भी अपना रोल मॉडल मानता था, तो एमिनम को लिलवेन को उन्हें मिक्स करके एमी वे बना दिया था, जितना मुझे पता है भाई, जितना यहाँ तक कि मैं फॉलो करते हुए आया हूँ एमी वे को, तो रोल मॉडल मानता है, क्या पता उस टाइप को ना कर दिया हो बना हो, कोई होता है चीज़ें कि जिसको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं तो उसकी तरह बाल वाल दाढ़ी वाड़ी बना के रखते हैं। लेट्स गो। तू घर मुंह फाड़ के था आया, उसने ही तेरा साइफर कराया और तूने बोला मैंने तुझे टोपा पहनाया, मेरी टोपी तेरे सर, तेरी टोपी मेरे सर, कैप तेरी पहनी थी मैंने मेरे सर पर, वीडियो में प्रूफ है तू झूठ बोले डर कर, सब मैं दिखा दूंगा हल्की सबर कर। ओ भाई सही में क्या पहन रखी है वीडियो, एमवीके को पहन रखी है, एमवीके के साथ वो रैप कर रहा है, मैंने एमवीके को टोपी ने पहन रखी है, मुंह फाड़ भी है पीछे, हाँ मुंह फाड़ भी है पीछे, डर कर सब मैं दिखा दूंगा हल्की सबर कर, तुझे सच लगे बड़ तुझे होने लगी हड़बड़ तू बोले कि तू झाड़ है कंजर होगा बंजर तू भी झड़ कर, झाड़ फूक हम पे मंत्र नहीं चलते, तुम वो गधे जिनको हंटर नहीं लगते, चौपर विमान ज्यादा अंतर नहीं रखते, मैं रॉकेट हूँ बेटा हम पे पंचर नहीं लगते। भाई क्या लाइन थी यार ये, पंचर नहीं लगते हम रोगड़ा में पंचर नहीं लगते, करू टेक ऑफ मैं इसके बाद मुना लगूंगा तू फेक बहुत है, जब काम होते हैं तो होता चेक बहुत है, तू दस मार मेरा बेटा एक बहुत है या। भाई वन पंच मैन, मैंने थप्पड़ निकाला था 2013 में सबको हिला डाला, मैं दंगल में आया था शोहरत कमाई और औरत बिगा डाला, मैं था कोक स्टूडियो पे टीप इन वीडियो में तुझसे पहले रेडियो पे, चलू तेरे एरियो में बेटा शेर हूँ चमकता हूँ बीच भीड़ियों के, ये छोटी वाले लेडी बॉय देंगे टीढ़ी होके, इतना आता ना तू ऊपर बिना मेरी सीढ़ियों के, इसे कहते हैं पेबैक, हो जाए इजी आजा चीजें करूँ लेट बैक। Anyway, anywhere, heavy man, any day, bro तू funny है, तू heavy है, तू heavy है। Anyway, anywhere, heavy man, any day, bro तू funny है, तू heavy है, तू heavy है, छोटी सी खोटी सी नीयत है गंदी, समझ में कमी है अकल है मंदी, तू तेरा फायर है बातें है ठंडी, एक चिल्लाता तू और चिल्लाती है, मुझसे बेड़ा है तू चिंता पकड़, फिर भी करूँ तेरी चिंता मगर, तू पागल है। ओके, अभी भी है दिल में है बंदे के रफ, प्यार तो है मैं एमी वे के लिए अभी भी, तेरी चिंता अभी भी करूँ मैं, मुझसे बेड़ा है तू चिंता पकड़, फिर भी करूँ तेरी चिंता मगर, तू पागल है पगले मैं पगलों का डॉक्टर, रिस्पेक्ट टू रफ्तार फॉर दैट, काटू मैं धड़ से तू गिनता ना सर। तू क्या बोलता है यार कि रैपर डांस नहीं कर सकता, अबे टूपाक ट्रेंड बैले डांसर था, पीडीडी बैकग्राउंड डांसर, और कॉमन ना बहुत बड़ा बी बॉय है, तेरी पुरानी वीडियोस देखी है मैंने, बहुत कोशिश करी है तूने उसमें डांस करने की, फिर बात भाई डांस बट सही कर रहा है यार डांस, ये सब कहाँ है वीडियो यार, मुझे बताओ कौन से गाने हैं ये मैंने एमी वे के, मैं तो कभी जिंदगी में देखे नहीं ये सब गाने, जो बहुत पुराना फैन है एमी वे को वही बता सकता है, और पी बॉय क्या बी बॉय क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सब क्या है भाई, पर डांस नहीं कर सकता, अबे टूपाक ट्रेंड बैले डांसर था, पीडीडी बैकग्राउंड डांसर, अच्छा टूपाक की बात कर, ओके वो भी एक बैकग्राउंड डांसर, ठीक है ये समझ आ गया, और कॉमन ना बहुत बड़ा बी बॉय है, ये नहीं समझ आया बताना, तेरी पुरानी वीडियोस देखी है मैंने, बहुत कोशिश करी है तूने उसमें डांस करने की, फिर बात पलट रहा है रियल रहे, तू इंग्लिश भी गाया तू नाचा भी ब्रो, मेरे जितना बड़ा तेरा ढांचा नहीं ब्रो, मैं खांदा नहीं ब्रो झूठा खाता नहीं ब्रो, तेरी बातें सुनूं मैं तू राजा नहीं ब्रो, और हैशटैग सर ओ रांझा रांझा बोहेमी बोहेमिया, सबसे पहला रैपर जो इंडिया में रेवोल्यूशन लाया था इस बोहेमिया भाई, सबसे पहला रैपर, फिर ये हनी सिंह रफ्तार ये सब आए थे, बट सबसे पहले इस बोहेमिया मैं उसको सुनता था, मुझे भी याद है, हाँ हम एमिनम भी सुनते थे जब हम छोटे छोटे थे, आई एम नॉट अफ्रेड आया था, उसके बाद ये रेवोल्यूशन जो लाया था बोहेमिया आया था, मेरा जो फेवरेट गाना था बोहेमिया को काली दोनाली था, गड्डी दे शीशे काले मेरे पीछे पीछे लगे 24 घंटे पुलिस वाले, ठीक है
स्टोरी, तू बोला लाइनें हुई तेरी चोरी, पाजी मैं फिर लिख के गा दूंगा। तू इंग्लिश भी गाया तू नाचा भी ब्रो, मेरे जितना बड़ा तेरा ढांचा नहीं ब्रो, मैं खांदा नहीं ब्रो, झूठा खाता नहीं ब्रो, तेरी बातें सुनूं मैं तू राजा नहीं ब्रो, और हैशटैग सड़क वाली स्टोरी, तू बोला लाइनें हुई तेरी चोरी, पाजी मैं फिर लिख के गा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, बातें हमारी थी होरी। ओके हैशटैग सड़क इसलिए नहीं आया क्योंकि कभी मैं बिजी कभी तू, प्रूफ में स्क्रीनशॉट डाल सकता हूँ पर नहीं, जिसको जिस पे यकीन करना है करे, मैं मौके भी दिलाता हूँ और धोखे भी खाता हूँ, एक दो पेटी नहीं बेटा एक डील का खोके में खाता हूँ, खूब तरक्की करो और ये नई जनता मुबारक हो, कभी दिल करे तो शुक्रिया। क्यों छोड़ दे दिया भाई, ओ भाई रफ्तार, और धोखे भी खाता हूँ, एक दो पेटी नहीं बेटा एक डील का खोके में खाता हूँ, खूब तरक्की करो और ये नई जनता मुबारक हो, कभी दिल करे तो शुक्रिया बोल दियो, गॉड ब्लेस यू। सबके आगे प्रॉमिस कर रहा हूँ सीन चेंज कर दूंगा एमवी का, ये मेरा वादा है। करवा सब देख रहा है भाई, गूज़बम्स आ गए मेरे यार, रफ्तार क्या कराइए पास किया, मतलब बहुत एक काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं बोलूंगा, कुछ तो था इन दोनों का प्यार था बीच में यार, गॉड ब्लेस यू बोल रहा है, चिंता भी करता हूँ तेरी, बट ले रही मैं ले भी रहा हूँ, नई जनता मुबारक हो, डैम पूरे प्रूफ्स के साथ है रफ्तार भाई, सीन चेंज कर दूँ एमवी का, सबके आगे प्रॉमिस कर रहा हूँ सीन चेंज कर दूंगा एमवी का, ये मेरा वादा है। ओके क्या बोलूँ मैं इस गाने के लिए, ये डिस था भाई, सही लिखा भाई, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ वर्ड्स ही नहीं लग रहे भाई मुझे, हैशटैग सड़क क्लियर कर दिया उसने, अभी भी मुझे बताना मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो, और फैंस बताओ यार, एमवीवे के फैंस बताओ, रफ्तार के फैंस बताओ क्या सीन है, क्योंकि ये डिस के बाद मुझे लग रहा है कि इसका कोई रिप्लाई नहीं हो सकता है, बट अभी भी एक है डिस जो कि एमवीवे का है ख़त्म, ठीक है उसको भी हम कवर करेंगे, तो बने रहना चैनल के अंदर, ठीक है इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कृष्णा और मूफाड़ का भी हम डिस को, मतलब प्रॉपर जो उनका बीफ हुआ था उसको भी हम कवर करें, तो बताना जरूर, ठीक है भाई, ये थी आज की रिएक्शन वीडियो, और रफ्तार ने सब चीज़ें खोल के बताई है कि ये चीज़ें हैं विद प्रूफ्स, स्क्रीनशॉट भी मैं डाल सकता हूँ, सब चीज़ें उन्होंने बताई है इसके अंदर, और मुझे मैं क्या बोलूँ कौन गलत कौन सही मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, बट यहाँ इस गाने के बाद मुझे लग रहा है रफ्तार ने सपोर्ट किया है उसे, और रफ्तार ने चीज़ें दिखाया भी है इसके अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं कि एमवीवे सिर्फ रफ्तार की वजह से ही बना है, उसने और भी हिटेड गाने दिए विदाउट रफ्तार, बट हाँ मैंने सुना ये पुश था जो एक पुश दिया था एमवीवे को, बट पुश के बाद भी बंदा मेहनत करके आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि एक पुश मिल गया तुम्हें और उसके बाद अब तुम हाँ भाई बाकी अब तुम देखते रहना अपना, नहीं भाई खुद से भी बंदा संभालता चीज़ें, अगर उसको पब्लिक मिले भी थी तो पब्लिक उसने पकड़ के रखी, और उस पब्लिक पकड़ने के बाद उसने और पब्लिक बनाई अपनी, तो आज एमवीवे कहाँ था और आज एमवीवे कहाँ है, इज़ द टॉपेस्ट टॉप पे एमवीवे है, गूगल पे भी सर्च करोगे शायद, मैंने एक बार सर्च करा था टॉप रैपर ऑफ इंडियाज़ एमवीवे लिखा था उसके ऊपर, ठीक है, ऑल रिस्पेक्ट टू कृष्णा, मेरा फेवरेट है कृष्णा एमवीवे दोनों मेरे फेवरेट है, और रफ्तार की तो यार अलग लेवल का बंदा है, मैं हमेशा से बोलता हूँ, तो ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द इंडियन आर्टिस्ट यार, डेस वेस हाँ होता रहता है, सब चीज़ें चलती रहती है यार, कोई नहीं इन्जॉय, पब्लिक ने इन्जॉय करा हमने इन्जॉय करा, सही है दोनों का फ़ायदा भी हो गया, तो सही है ठीक है सब बढ़िया, ऑल रिस्पेक्ट टू एमवीवे, ऑल रिस्पेक्ट टू रफ्तार, काश ये दोनों दोबारा से एक हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ भाई, बट मुझे लग नहीं रहा जिस तरह से हालात है उस तरह से चीज़ें होंगी, चलो भाई आज के लिए बहुत ज़्यादा पका दिया मैंने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी डेक्स साइनिंग ऑफ, अपना ध्यान रखो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, पीस आउट।